हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ब्रह्मचर्य से जुड़े सभी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचर्य का काफ़ी विस्तार से वर्णन मिलता है, जिसमें सनातन धर्म के ऋषियों मुनियों ने आध्यात्मिक यात्रा के लिए ब्रह्मचर्य को महत्वपूर्ण बताया है। लेकिन जिस ब्रह्मचर्य की बात हमारे ऋषियों ने की थी, उसको आज ज़्यादातर गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। क्योंकि जब मैंने YouTube में ब्रह्मचर्य के बारे में सर्च किया तो बहुत सारे रिजल्ट सामने आए, जिसमें बताया जा रहा है कि अगर आप केवल 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आपको बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी, आप कभी बीमार नहीं होंगे और आप जीवन में जो भी भौतिक सुख सुविधा पाना चाहते हैं उसको आसानी से पा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि वीडियो में बताया जाता है, जिससे लोगों का समय तो बर्बाद होता ही है और वे ब्रह्मचर्य को सही तरीके से जान ही नहीं पाते। वैसे तो आजकल इंटरनेट की दुनिया में ज़्यादातर लोगों का मकसद होता है पैसा कमाना, वो फिर चाहे लोगों को गलत जानकारी देकर ही क्यों ना कमाया जाए। जहाँ तक मैंने ब्रह्मचर्य को लेकर जो अध्ययन किया है वो इन सब बातों से अलग है। इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ब्रह्मचर्य से संबंधित हर छोटे बड़े सवालों का जवाब बहुत ईमानदारी से दूँ, ताकि आप ब्रह्मचर्य की सच्चाई जान सकें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ब्रह्मचर्य का सही मतलब क्या होता है। तो देखिए, ब्रह्मचर्य का सीधा सा अर्थ है कि आपकी जीवनचर्या ब्रह्म की तरह हो जाना। अर्थात जब मनुष्य का आचरण ब्रह्म के केंद्र से संचालित होने लगता है तो मनुष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को प्राप्त होता है तो उसको इस जगत की बहुत सी भौतिक सुख सुविधाएँ ब्रह्मचर्य के सुख से छोटी प्रतीत होने लगती हैं। इस जगत की बहुत सी भौतिक सुख सुविधाओं में एक सुख जो पुरुष को स्त्री से और स्त्री को पुरुष से मिलता है, यानी संभोग का सुख, वो भी मनुष्य को बहुत छोटा दिखाई देने लगता है। और फिर ब्रह्मचर्य को प्राप्त होने वाला व्यक्ति इन सब छोटी छोटी बातों में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाता है। लेकिन यहाँ इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रह्मचारी व्यक्ति शादी नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य का विवाह से कोई संबंध नहीं होता और ना ही वीर से कोई मतलब होता है। कुछ लोग अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए वीर को बहुत अशुद्ध बता देते हैं, जबकि वो यह भूल जाते हैं कि जिस शरीर को वह धारण किए हुए हैं वह भी एक वीर का विस्तृत रूप है। और वीर तो मनुष्य का प्राकृतिक गुण है। यह गुण मनुष्य का ही नहीं बल्कि समस्त प्राणी जगत के जीवों का है। इसलिए वीर को ब्रह्मचर्य के लिए अद्भुत मानना गलत है। और वीर तो मनुष्य का प्राकृतिक गुण है। यह गुण मनुष्य का ही नहीं बल्कि समस्त प्राणी जगत के जीवों का है। इसलिए वीर को ब्रह्मचर्य के लिए अशुद्ध मानना गलत है। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली यह है कि जिस ब्रह्मचर्य की परिभाषा आज के लोगों द्वारा गढ़ी जा रही है उसका केंद्र काम ही है। इस बात को आप इस तरह समझें कि जो व्यक्ति संभोग करता है वो कामी, और जो व्यक्ति काम को त्याग दे वो ब्रह्मचारी। इसलिए मनुष्य काम के साथ चले या फिर काम के विपरीत, कुल मिलाकर बात एक ही होती है। जबकि ब्रह्मचर्य इन सब छोटी छोटी बातों से कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, ब्रह्मचर्य में एक बात जरूरी होती है, जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होता है तो वो हर किसी से एक स्वस्थ संबंध बनाता है। जैसे कि ब्रह्मचारी व्यक्ति हर किसी महिला को काम भरी निगाहों से नहीं देखता है। कुल मिलाकर ब्रह्मचर्य का अर्थ है सत्य को जान लेना। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। वैसे तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कोई विशेष नियम नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई शारीरिक क्रिया नहीं है जिसे आप कर सकें। लेकिन यदि आप ब्रह्मचर्य को उपलब्ध देना चाहते हैं तो आप ध्यान में बैठना शुरू कर दें। जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होता जाएगा वैसे वैसे आपका अपनी इंद्रियों में कंट्रोल होता जाएगा और आप धीरे धीरे ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होते जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान नियमित रूप से करना है। ध्यान में गहरा उतरने के लिए आप कुछ नियम का पालन कर सकते हैं। जैसे आप अपने आहार को सही रखें, दूसरे की निंदा करने से बचें, दिन में कुछ समय मौन रहें, बेवजह किसी से बात ना करें, जो भी काम करें उसको होशपूर्ण करें, दैनिक जीवन का कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं, गलत लोगों की संगति से दूर रहें और भगवान पर पूर्ण भरोसा रखें।